कल मैंने आपके सामने एक थोड़ा सा चिंतन रखा था, आज उसी को थोड़ा विकसित करना चाहता। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कल आप लोगों ने जो छात्रवृत्ति के लिए धन दिया और इन बालकों के जीवन में जो उत्साह पैदा किया स्वाध्याय के प्रति, पढ़ने के प्रति, इसके लिए आप महान प्रशंसनीय हैं। कारण यह है कि आर्य समाज का जो नवा नियम है, अगर आप ध्यान देंगे तो स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति होनी चाहिए। तो आपने जो कल कार्य किया है ये आर्य समाज के उस नवे नियम के अंतर्गत आपका कार्य आता है कि आप सारे संसार की उन्नति चाहते हैं। ये नहीं कि मैं इंजीनियर हूँ, आप ये भी चाहते हैं कि हर बच्चा इंजीनियर हो, हर बच्चा हमारा डॉक्टर हो, हर बच्चा हमारा उच्च पदों पर पहुंचे। ये जो कल्याणकारी भावना है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। और दूसरी जगह की जहाँ कहीं मुझे जाने का अवसर मिलेगा, मैं इस बात का उद्धरण दिया करूँगा। और भी तो देना है जी, अभी देखो और भी देना है आपको, देना तो है ही नहीं, देना तो काम, देना तो आपको जीवन भर है, आपने मान कर देखो, देना तो है ही। एक उदाहरण और स्वाध्याय का कहकर के आज ईश्वर विषय का प्रकरण मैं आपको दूंगा कि स्वाध्याय कितना महत्वपूर्ण है। आप सबको मालूम होगा कि पंजाब से एक बहुत संस्कृत के विद्वान सन्यासी पौराणिक जगत के थे, पद यात्रा करते हुए आए, अलीगढ़ में आकर के अस्वस्थ हो गए। तो एक आर्य व्यक्ति ने पता लगा कि सन्यासी तो पौराणिक हैं, पर उनकी उसने सेवा शुश्रूषा की, कहा कि सन्यासी है कोई बात नहीं, संस्कृत का महान पंडित है, ले गया घर, उनको रखा 6-7 दिन, उनको सेवा शुश्रूषा की। जब वो स्वस्थ हो गए तो वो जब चलने लगे तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि रेशम के कपड़े में लपेट करके सत्यार प्रकाश भेंट में लगी और कहा कि स्वामी जी आपको समय मिले तब आप इसे पढ़ लीजिए। पद यात्राएं होती थी, यातायात के इतने साधन नहीं थे, वो एक थैला होता था जिसे खुर्जी टाइप कहते थे, डाल करके वो अपने पद यात्रा करने लगे। दोपहर का समय हुआ, धूप बहुत तज रही थी, खारी नदी पड़ती है अलीगढ़ के पास में, उस बड़ा एक घना वृक्ष था बरगद का, उसके नीचे बैठ गए कि चलो विश्राम कर लें। लोटा डोल हुआ करता था, कुएं थे उस समय, पर पानी खींच लेते थे, पी लेते थे। बैठ करके उन्होंने सोचा कि उस व्यक्ति ने मुझसे कहा था जिसने मेरी सेवा की थी कि स्वामी जी से पढ़ ले, तो उन्होंने उस निकाला और रेशम के कपड़े को हटाया, तो हटा करके जैसे ही देखा कि सत्यार प्रकाश महर्षि दयानंद, तो मारे क्रोध के उठा के फेंक दिया, ओहो किस नास्तिक की पुस्तक मुझे दे दी इसने पढ़ ले। उस समय ऋषि दयानंद के बारे में ये प्रचारित कर दिया गया था पौराणिक जगत वालों ने, अरे वो तो नास्तिक है, वो तो ईश्वर को नहीं मानता, वो देवी देवताओं को नहीं मानता, वो तो हर चीज की आलोचना करता है, हर चीज की निंदा करता है। तो उनके मस्तिष्क में क्या था कि ये व्यक्ति जो है वो नास्तिक है और इसकी किताब मुझे पढ़ने को दे दी। बस थोड़ी देर बाद देखो सन्यासी है, सन्यासी का क्रोध शांत भी तुरंत हो जाता है, तुरंत शांत क्रोध हुआ तो मन में विचार आया कि देखो उसने इतनी सेवा की थी और सेवा के बदले में उसने यही तो कहा था कि पढ़ लेना, अरे पढ़ने में क्या बुराई है, पढ़ना ही तो है मुझे। बस फिर उठे, पुस्तक को उठाया और उठा करके उस कानून साफ की और साफ करके पढ़ने बैठे, तो जैसे ही उन्होंने पहला समुल्लास पढ़ा और ईश्वर के नामों की व्याख्या देखी, वो गदगद हो गए। संस्कृत का विद्वान था, उसने धातुओं से सिद्ध किया था ईश्वर के नामों को, कहा कि ये व्यक्ति नाम देकर पहली धारणा बदल गई, पहला समुल्लास पढ़ गई। और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने पूरा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, गांव के लोगों को पता लग गया कि सन्यासी बैठा हुआ है, भोजन पानी सब, गांव में बड़ी श्रद्धा होती है, कोई सन्यासी वगैरह आ जाए तो भोजन पानी की व्यवस्था सब कर देंगे। उन्होंने जाकर के, अगर आपको याद हो, साधु आश्रम के पास एक आश्रम बनाया जिसका नाम है साधु आश्रम, और वो आज जगत का प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी सर्वदानंद जी महाराज, जो आगे चलकर के धीतराज की उपाधि मिली स्वामी सर्वदानंद जी महाराज। और देखिए कमाल की बात, उनके आश्रम में जो लड़के पढ़ते थे संस्कृत, तो एक लड़का मथुरा के गांव के पास का था, वो रोटी बनाया करता था वहाँ, ब्रह्मचारियों की रोटी बनती थी, और स्वामी जी रहते थे उनकी रोटी बनती थी, थोड़े विद्यार्थी थे,
साधु आश्रम प्रारंभ हो रहा था, उसका नाम था झूरिया लड़के का। वो संस्कृत में वहां जानता ही नहीं था कुछ, वो तो नौकर था, रोटी बनाया करता था। एक दिन उसने सब लड़कों को पढ़ते देखा, स्वामी जी को देखा, तो उसके अंदर इच्छा हुई कि मैं भी, तो उसने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी मैं भी पढ़ लिया करूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तू भी पढ़ा कर। अब वो भूरिया टाइम से खाना बना लिया करे, समय बचा करे, तो लड़कों के साथ पढ़ने बैठ जाया करे उन कर्मचारियों के साथ। और पढ़ते पढ़ते आप ये समझो वो भूरिया जो है आज जगत का प्रसिद्ध व्यक्ति स्वामी धुरेन्द्र शास्त्री, धुरेन्द्र शास्त्री बना और शास्त्रार्थ करने लगा। और धुरेन्द्र शास्त्री के बाद उसने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद स्वामी ध्रुवानंद और स्वामी ध्रुवानंद सार्वजनिक सभा का प्रधान है। आप तमाम देखिए स्वाध्याय, यानी किसी व्यक्ति को अगर आप उठा दें और उसमें अगर प्रतिभा है, अगर उसमें थोड़ी सी अपनी लगन है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति कहाँ का कहाँ पहुँचता है। ये क्या है? ये है ईश्वरीय व्यवस्था, ये ईश्वरीय व्यवस्था है संसार के अंदर। ये आप जो कुछ दे रहे हैं, आप कभी ये अभिमान मत करना कि मैं दे रहा हूं, देने वाला और है, देता है दिन में, देने वाला तो और है, वो आपके हाथों से दिलाना चाहता है, उसे तो अपनी सब प्रजा का पालन करना है, इस प्रजा का भी उसे पालन करना है, तो पालन करना है तो वो स्वयं तो देने आएगा नहीं, स्वयं तो निराकार है, वो क्या करेगा कि आपके अंदर प्रेरणा करेगा, अरे दो इन बच्चों को पढ़ाओ, इन बच्चों को अरे भोजन की व्यवस्था करो इन बच्चों की, तो वो आपके हाथ से। तो कवि ने लिख दिया कि देने वाला और है, देता है दिन रैन। तो वो रहीम जी जो किया करते थे ना, तो देते समय उनके नेत्र नीचे होते थे, कहा कि देने वाला और है, देता है दिन रैन, और लोग मुझ पर भ्रम करे सासु नीचे। क्या संसार है, कितनी गजब की चीज है, अगर आप इसे समझे तो परम पिता परमात्मा इस संसार का काम कर रहा है। अब उस परम पिता परमात्मा के बारे में थोड़ी सी चीज समझें। परमात्मा ने रित नियमों का सत्य का निर्माण किया है, रचना की। ये रित नियम क्या है? आप संध्या में प्रतिदिन पढ़ते हैं ओम ऋतं च सत्यं च गीता तपसो व्यजायतः। ये ऋतम, ये रित नियम परमात्मा के क्या है? परमात्मा के रित नियम वो है जो कभी भी बदलते, सृष्टि से लेकर के आज तक वो नियम काम कर रहे हैं और आगे भी काम कर रहे हैं। परमात्मा के जो रित नियम है, अब आप समझ लीजिए, जो बदलता नहीं है वो रित नियम। जैसे आप छोटे बालक से जब जन्म लिया और जन्म लेने के बाद आप बढ़ना शुरू हो गए, और बढ़ते बढ़ते आप 6 फुट के हो गए, 7 फुट के हो गए। अच्छा भी ये बताओ, अब पढ़ना क्यों बंद हो गया 7 फुट के बाद? आप तो पढ़ रहे थे ना, कोटी के बच्चे से लेकर के बढ़ते बढ़ते आप 7 फुट तक आ गए, अब 7 फुट के बाद आपका पढ़ना बंद है। ये नियम किसका काम कर रहा है? ये नियम परमात्मा का है, रीत नियम। रीत नियम, इन रीत नियमों पर संसार की व्यवस्था कायम है। अगर ये रीत नियम नहीं होता, अगर आपका पढ़ना जारी रहता, तो संसार की सारी इंजीनियरिंग फेल हो जाती, कोई मकान का नक्शा नहीं बना पाता, कितना बड़ा दरवाजा बनेगा, कितनी ऊंची छत होगी, कितना बड़ा कमरा होगा, आखिरकार इतना लंबा चौड़ा आदमी मान लीजिए बढ़ते बढ़ते 25 फुट के हाथ हो गए, कितना कमरा बनेगा, कहाँ पलंग बनेगा, कितना बिस्तर बनेगा, पूरा संसार की व्यवस्था फेल हो जाती नहीं हो जाती? तो आप जब इस संसार को देखेंगे तो परमात्मा के रीति नियम काम कर रहे हैं। ये हमारे दांत हैं, छोटे से बढ़ते बढ़ते बस इतने रह गए, अगर ये दांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाते अब वो लोग क्या करते है? परेशानी नहीं, कितनी बड़ी परेशानी होती। आप उस परमात्मा का चिंतन करिए और परमात्मा के अस्तित्व पर आप विचार करिए। मैं आपको अभी अस्तित्व के संबंध में बताऊंगा, पहले रित नियमों को आपको बता रहा हूँ कि आप रित नियम समझ लें। चंद्रमा सूर्य पूर्व में निकलता है, सृष्टि से लेकर के जब तक प्रलयावस्था आएगी बराबर पूरब में ही उदय होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो दक्षिण में आ जाए, कि वहां से उदय होने लगे, पश्चिम में आ जाए। इन रित नियमों पर सारे वैज्ञानिकों के नियम काम कर रहे हैं। ये जितने वैज्ञानिकों की खोजें परमात्मा के रित नियमों पर काम कर रही है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, कितनी ऊंचाई तक है, इस बात को विमान बनाने वाले जानते हैं कि हमारा विमान अगर इतनी ऊंचाई पर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति में होगा, इतना जाएगा तो उससे निकल जाएगा,
हमारी पावर इतनी जहाज में होनी चाहिए जिससे कि वो उड़ता रहे आकाश में, तो बोलिए रीति नियमों पर प्रतिबद्धता कायम है या नहीं? इन रीति नियमों को बनाने वाला कौन है? कि इन रीति नियमों को बनाने वाला ही तो परमात्मा है, वही तो ब्रह्म है, उसी को तो ब्रह्म कहते हैं। ये रीति नियम मनुष्य नहीं बना सकता, आप कैसे बना लोगे? अच्छा, कान से सुनने का काम करते हो, आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसा है जो आंखों से सुनने का काम कराने लगे और कानों से देखने का काम कराने लगे? है कोई ऐसा वैज्ञानिक संसार में आज तक? कोई नहीं। ये रीति नियम है, अर्थात सृष्टि से लेके आज तक सुनने का काम आप कान से ही करेंगे, देखने का काम आप आंख से ही करेंगे, सूंघने का काम आप नाक से ही करेंगे और कहीं से नहीं कर सकते। ये रीति नियम मनुष्य जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, इससे ही तो हमारा शरीर चल रहा है। ये गति परमात्मा की है, ये परमात्मा की व्यवस्था है, उसे अपनी सृष्टि चलानी है। अगर वो इन बातों का ध्यान नहीं रखता तो सृष्टि, इसीलिए तो उसको कहते हैं वो महान वैज्ञानिक है, वो गुरुओं का भी गुरु है, वो इस संसार का नियामक है, व्यवस्था को बनाने वाला है, व्यवस्थापक है इस संसार का। और है कैसा? है निराकार। उसने सृष्टि को बनाया है और बनाने के बाद है निराकार, अर्थात वो इस सृष्टि में व्याप्त है। उसने सोचा कि ये मनुष्य बड़ा चालाक है, अगर मैं अपने रहने का कोई ऐसा जगह बना लूंगा तो ये वहां भी मुझे देगा, परेशान करेगा, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे वो दो। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि कल कल में व्याप्त उगा जाता हूँ और इसके भीतर हृदय में बैठा जाता हूँ, अब ढूंढा है तू कहाँ ढूंढेगा मुझे? बहुत होशियार है, वो जानता है कि ये मनुष्य छोड़ेगा नहीं, ये दिमाग में बड़ा तेज है, मुझसे मांगेगा, मुझे करोड़ों लोग नहीं दूंगा तो पकड़ के ले जाएगा, अपहरण कर लेगा मेरा। व्याप्त हो गया कल कल में, अब ढूंढते रहो तुम, वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, ढूंढो उसे अब। तो ये जो है परमात्मा, ये कहता है कि ये निराकार है। लेकिन कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि अच्छा चलो निराकार है, मान लिया आपकी बात, इस निराकार ने ये साकार जगत कैसे बना दिया? अब अगला प्रश्न, निराकार ब्रह्म ने साकार जगत कैसे बना दिया? एक मौलवी साहब ने तो बड़ा विचित्र प्रश्न किया। मौलवी साहब बोले कि देखो ये आर्य लोग कितने चालाक हैं, कहते हैं कि ईश्वर निराकार, और दूसरी तरफ कहते हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। अरे जब ईश्वर निराकार है, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, शरीर नहीं, तो उसने वेद का ज्ञान दे कैसे दिया? कैसे दिया वेद का ज्ञान? ये आर्य लोग बहुत चालाक है, बड़ी बातें ऐसी करते हैं जो जनता समझ नहीं पाती है। प्रकाश वेद का ज्ञान तो उस समय सत्यव्रत जी सिद्धांत अलंकार जो गुरु कांगड़ी के भाई चांद थे, वो विद्यार्थी थे उस समय कांगड़ी, तो उस मजमे में जो मौलवी साहब ये पूछ रहे थे, वो सत्यव्रत जी पूछ रहे। अरे उन्होंने कहा मौलवी साहब ये तो बड़ी साधारण सी बात है, अरे कि तुम कल के लड़के हो, बड़े बड़े आकाओं को उड़ाओ, तुम आज जवाब के वो जवाब देंगे, तुम क्या जवाब हमारा दोगे? तो सत्यव्रत जी बोले कि तुम्हें जवाब से मतलब है कि बड़े बड़े आकाओं से मतलब है? तो बोले कि हमें तो जवाब से मतलब है। तो वो मौलवी साहब से बोले कि मौलवी साहब एक बार बताओ, मेरे और तुम्हारे बीच में कितनी दूरी है जो आप बात कर रहे हो मुझसे? कि दूरी यही है 10-15 कदम की दूरी है। अच्छा 10-15 कदम की दूरी है, मौलवी साहब अगर मैं आपके नजदीक आ जाऊं तो क्या इतनी जोर से बोलोगे? नहीं, नजदीक आओगे तो धीरे से बोलूंगा। अच्छा, और अगर मैं आपके पेट में घुस जाऊं? मौलवी साहब बोले बल्ला बल्ला, तू पेट में घुस रहा है कि जवाब देगा? अरे मैं हमारा ईश्वर जो है तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हुआ है, अंतर्यामी है, और जो ईश्वर अंतर्यामी है वो अंदर से ज्ञान देता है, उसे ना हाथ की जरूरत है, उसे ना मुंह की जरूरत है, वो अंदर से ज्ञान देता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा, ये वो ऋषि थे जो मुक्ति से वापिस आए। सृष्टि में पहली जो सृष्टि होती है वो अमैथुनी सृष्टि होती है, जो उस समय माता पिता तो होते नहीं, तो जब माता पिता नहीं है तो वो सृष्टि अमैथुनी सृष्टि है, और अमैथुनी सृष्टि जिसको स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने सांकल्पिक सृष्टि लिखा है, उस सांकल्पिक सृष्टि में अमैथुनी सृष्टि में मुक्ति से लौट करके जो आत्माएं आती हैं वो आती। तो ये अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा, इनकी स्मृतियां बड़ी विलक्षण थी, तो परमात्मा ने इनके हृदय के अंदर अंतर्यामी होने के कारण इनके हृदय में वेद का ज्ञान का प्रकाश किया, और इन ऋषियों ने उस ज्ञान को
इस कब से पहले ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा के बाद और ऋषियों को मिला, और ये ज्ञान की परंपरा ऋषियों ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी तक चलती है। ऋषि दयानंद ने इस परंपरा को स्वीकार किया है कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक जो ऋषियों की परंपरा है उन्हें स्वीकार करता हूँ। तो ये जो चार ऋषि थे अग्नि वायु आदि अंगरा, इनको ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, तो परमात्मा का ज्ञान लेने का जो तरीका है वो तरीका और हमारे मनुष्यों का ज्ञान लेने का तरीका भिन्न है, क्योंकि हम शरीरधारी हैं। शरीरधारी होने के कारण जैसे हमारी आपकी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये ज्ञान का तरीका है जो गुरुकुलों के अंदर विद्यालयों के अंदर चलता है, वहां अध्यापक बोलता है विद्यार्थी सुनते हैं। एक दूसरा तरीका है कि कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, उसने वहां पुस्तक लिख दी है और आपके पास आ गई, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो हाथ से लिख करके तरीका है और उनसे बोलने का तरीका है, ये दोनों प्रणालियां मनुष्य में प्रचलित है, क्योंकि ये मनुष्य शरीरधारी है। लेकिन परमपिता परमात्मा शरीरधारी नहीं है, परमपिता परमात्मा अंतर्यामी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इस बात को लिखा है कि ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन त्रस्तति भ्राम्यं सर्वभूतानि माया इंद्रारूढानि माया। तो भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को स्वीकार करते हैं, वेद की बात को स्वीकार कर रहे हैं, वो भी देखो वेद के विपरीत नहीं है, वेद की बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ईश्वर अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी होने के कारण वो अंदर से ज्ञान देता है और वेद ने भी उसको निराकार कहा। वेद ने कहा सपरियगा शुक्रम अकार्यम अभ्रणम अस्माविरम कविर मनीषी परिभू स्वयं। वेद भी कहता है, वो कहता है अभ्रणम है, अशरीरम है, अस्माविरम है, नस्तारियां उसके नहीं है, शुद्धम अपाप विद्धम वो शुद्ध है, अपाप विद्धम उसे पाप बींध नहीं सकते, और कहता शुद्ध है, ऐसा शुद्ध है कि उसके संपर्क में यदि कोई अशुद्ध आता है तो अशुद्ध को शुद्ध कर देता है, लेकिन वो शुद्धता शुद्ध रहता है। देखो जल भी पवित्र है, पर जल आपके कपड़े को साफ कर देता है, लेकिन जल स्वयं गंदा हो जाता है, कपड़े का मैल जल में आ जाता है। तो जल पवित्र है लेकिन फिर भी जल गंदा हो जाता है, लेकिन वो परमात्मा कहता है कि परमात्मा आप अशुद्ध हैं, आपके महल को निकाल देगा, आपकी बुरियां निकाल देगा, लेकिन परमात्मा में बुराई नहीं आएगी, वो शुद्धम है, अपात विद्धम है, कबीर मनीषी परिभू स्वयं। तो देखो वो परमपिता परमात्मा हमारा कहता है कि निराकार है, और ये निराकार अंदर से रचना करता है। अब आप इसकी रचना को समझिए कि साकार की रचना कैसे की। ये जो साकार आपको इस समय दिखाई दे रहा है ये प्रकृति की विकृति है। ये जब प्रलयावस्था होती है तब वो मूल कारण प्रकृति होती है, और प्रलय से इस सृष्टि के बनने से पहले इस आकाश के अंदर जैसे कोहरा होता है ना, कोहरा छाता है, ऐसे कोहरा के रूप में वो जो मूल कारण प्रकृति होती है वो समुद्र आकाश में छाई हुई होती है। तो परमात्मा को जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो वो ईक्षण शक्ति कहलाती है उसकी। जब परमात्मा अपनी ईक्षण शक्ति से सृष्टि की रचना करता है तो वह परमात्मा क्या करता है कि उन सूक्ष्म परमाणुओं में, प्रकृति के सूक्ष्म जो परमाणु है उनमें अंदर से गति देता है, क्योंकि वो व्याप्त है, परमात्मा कर्ण में व्याप्त है, और व्याप्त होने के कारण वो उनके अंदर व्याप्त होने से वो उनमें गति जब प्रदान करता है तो अग्नि का परमाणु अग्नि से मिलता है, वायु का परमाणु वायु से मिलता है, जल का परमाणु जल से मिलता है, और इन पंच तत्वों की महत्व की इनकी रचना होती है, और ये सृष्टि आपके सामने पंच तत्व के रूप में आ जाती है। तो परमपिता परमात्मा याद रखना निराकार होते हुए भी साकार सृष्टि की रचना करने में इसलिए समर्थ है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु में भी अंदर व्याप्त है और वो अंदर से गति देता है। जैसे बीज है, आप बीज को मिट्टी में डाल देते हैं, अच्छा ये बताइए इस बीज में से जो अंकुर फूट रहा है तो अंदर से कौन गति दे रहा है उस बीज को। अंदर से जो गति देने वाली शक्ति है वो परमात्मा की कौन सी शक्ति है, भर्ग शक्ति, सविता शक्ति, गायत्री मंत्र में जो सविता और भर्ग शब्द आया है ये उसी की शक्ति है। अगर उसकी शक्ति नहीं होगी तो बीच में से हमको नहीं टूटेगा, और वो भी आप देखिए पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है नीचे को खींचती है, लेकिन अंकुर ऊपर आ रहा है मिट्टी में से निकलते ऊपर बढ़ता जा रहा है, पौधा बन रहा है, अंकुर आ रहे हैं, पृथ्वी उसे नीचे की ओर नहीं खींच पा रही है,
ये कौन सी शक्ति काम कर रही है? ये उस परमात्मा की शक्ति काम कर रही है जिससे वो पौधा ऊपर आ रहा है, फल फूल आ रहे हैं, आप खा पी करके उसे संतुष्ट हो रहे हैं। तो याद रखना कि परमात्मा निराकार होते हुए भी सृष्टि की रचना अंदर से करता है, इसलिए उसे हाथ पैरों की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोगों को हाथ पैरों की आवश्यकता है क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम बिना हाथों के कोई काम नहीं कर सकते, हम बिना अपने शरीर की रचना के कोई काम नहीं कर सकते। अब तीसरा प्रश्न ईश्वर के विषय, और वो प्रश्न है कि आखिरकार वो ईश्वर जो है, चलो मान ली कि वो निराकार, ये भी मान ली निराकार होकर के रचना कर देता है, ये भी मान ली, आखिरकार उसके कार्य कौन कौन से, ये तो पता लगे कि ईश्वर के कार्य कौन कौन से हैं, और ये जो शरीर के अंदर जीवात्मा है इसके कार्य कौन कौन से, तभी तो अंतर समझ में आएगा। तो याद रखना ईश्वर के पांच काम, पहला काम सृष्टि की रचना करना, ये सृष्टि की रचना मनुष्य नहीं कर सकता, आप नीम का एक पत्ता नहीं बना सकते, आप पृथ्वी नहीं बना सकते, आप सोना नहीं बना सकते, आप चांदी नहीं बना सकते, आप सूर्य नहीं बना सकते, आप चंद्रमा नहीं बना सकते। तो जब हम एक नीम का पत्ता भी नहीं बना सकते तो पहला काम परमात्मा का क्या है, सृष्टि की रचना का। एक दूसरा काम है परमात्मा का और वो है सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का पालन वही करता है, कोई जीव उसकी सृष्टि में सुबह से शाम तक हरेक खा पी के सोता है, चाहे वो चींटी है, चींटी से लेकर के हाथी तक का भोजन व्यवस्था है उसकी सृष्टि में, आप अंदाज करिए उसकी शक्ति। हम तो छोटा परिवार होता है उसी को आटा दाल जुटाने से परेशान हो जाते हैं कि कभी आटा नहीं है, कि दाल नहीं है, कि आज सब्जी नहीं है, कि आज नमक नहीं है, तो जरा उस परमात्मा की व्यवस्था को देखिए, समूची सृष्टि को प्रतिदिन भोजन मिल रहा है और जिसका जैसा भोजन है, शेर का मांस अगर भोजन है तो उसे मांस मिल रहा है, जिसका घास भोजन है उसे घास मिल रही है, जिसका दाल रोटी भोजन है उसे दाल रोटी मिल रही है, उसकी व्यवस्था वेराइटी देगी, आप उसके भोजन की उसकी भोजन की भी वेराइटी कोई गिनती नहीं, आप गिन नहीं सकते उसके भोजन की वेराइटी। हर जीव का जैसा भोजन है वैसा उस जीव को भोजन मिल रहा। तो दूसरा काम है सृष्टि का पालन करना, इसीलिए पालन करने के कारण उसका नाम है एक विष्णु, और सृष्टि की जब रचना करता है तो उसी परमात्मा को हम ब्रह्मा कहते हैं, वो एक ही है दूसरा नहीं है, वही उसी का नाम ब्रह्मा है, लेकिन जिस समय सृष्टि का पालन कर रहा होता है उसकी संज्ञा ब्रह्मा है, और जिस समय सृष्टि का पालन कर रहा है उस समय उसकी संज्ञा विष्णु है। तीसरा काम परमात्मा का समय आने पर इस सृष्टि का प्रलय करना, संहार करना। इस सृष्टि का कितना समय है, 4,32,00,000,000 वर्ष, 4,32,00,000,000 वर्ष का तो एक कल्प है, ये ब्रह्म दिन कहलाता है, और ब्रह्म रात्रि वो भी 4,32,00,000,000 वर्ष, ब्रह्म रात्रि यानी प्रलयावस्था वो भी 4,32,00,000,000 वर्ष है, और ये ब्रह्मदिन जो चल रहा है ये भी 4,32,00,000,000 वर्ष है, और इस सृष्टि का जो समय निकल गया है वो है 1,96,08,53,116, इतना समय सृष्टि का बीता है, बाकी अभी सृष्टि बाकी है। तो ये जो दिन है ये ब्रह्मदिन और ब्रह्म रात्रि, तो परमात्मा का तीसरा काम क्या है कि वह इस सृष्टि का समय आने पर संहार भी कर देगा, क्योंकि हर वस्तु नाशवान है, ये सृष्टि समूची नाशवान है, ये सब भवन वगैरह एक दिन जो है सब खंडर हो जाएंगे, और जब प्रलयावस्था होगी तो ये ऐसे तपेंगे आग में कि फिर से वो मिट्टी बन जाएगी, जिस मिट्टी से आपने ये सब बनाना ये वो आप उस का मान सकते, ये सारे के सारे पत्थर से पत्थर सीमेंट लोहा उस अग्नि के अंदर ऐसे गलेगा, और ऐसे गलने के बाद वो मिट्टी बनेगी भुरभुरी, जिस मिट्टी को प्रारंभ में पृथ्वी बनी, आपने पृथ्वी से तो मिट्टी लेकर के ये सब काम किया है, मिट्टी को पकाया है, तपाया है, सांचे में डाला है, लेकिन ये फिर मिट्टी बनेगी, वैसी मिट्टी बनेगी जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उसकी आप प्रलय को देखिए। तीसरा परमात्मा का, चौथा परमात्मा का काम, ये जितने जीव है हम और आप सब सब जीवात्माओं का कर्मों का फल प्रदान, हर एक जीव के उसे कर्मों का ज्ञान है, क्योंकि वो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब है वो सब जीवों को जानता है, आपके क्या कर्म है, आपका क्या फल है, कौन से कर्म का फल मिल गया है, कौन से कर्म का फल नहीं मिला है, ये सब को जानता है, सर्वज्ञ होने के कारण सब उसके ज्ञान में है,
तो जीवों को उनके किए हुए कर्मों का फल प्रदान करना ये परमपिता परमात्मा का चौथा काम है। और पांचवा काम परमपिता परमात्मा का है कि जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो इस मनुष्य को ज्ञान देना अर्थात वेद का प्रकाश करना। ये पांच काम परमात्मा के हैं। इन कामों को कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आप कभी भी इसका विचार करना, हर एक से पूछना संसार के लोगों से कि क्या इन पांच कामों में से कोई वैज्ञानिक कोई काम कर सकता है, क्या इन पांच कामों में से कोई डॉक्टर बड़े से बड़ा इंजीनियर कोई कार्य कर सकता है, तो पता लगेगा कि इन पांच कर्मों में से कोई भी काम संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है? वही परमात्मा जो निराकार जो ब्रह्म है। अब प्रश्न है कि ब्रह्म की सत्ता कैसे हम स्वीकार करें और उसका दर्शन कैसे करें। ये मनुष्य कहता है कि चलो हमने मान ली वो निराकार है, पर भैया हम तो उसे देखना चाहते, हमें दिखाओ किसी तरह से। तो उपनिषदों के ऋषियों ने और हमारे पूर्वजों ने बड़ा कमाल का काम किया है, आप तुम उसका साक्षात्कार भी कर सकते, देख भी सकते। अच्छा देखोगे कैसे? आप ये बताइए, आप उमेश को देखना चाहते हैं। अच्छा उमेश को कैसे देखोगे? शरीर ही तो देखोगे मेरा, शरीर देख करके ही तो आप ये कहोगे कि ये उमेश है। शरीर देख करके ही आप कहोगे कि ये डॉक्टर वीरपाल जी हैं। शरीर ही तो देखोगे ना। इस शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है, क्या उस चेतन आत्मा को आप देख सकते हैं? जीवात्मा को, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, जिसके कारण मैं आपके सामने बोल रहा हूं। अगर ये चेतन आत्मा शरीर में से निकल जाए तो आप कहेंगे अरे इन्हें जी बेकार हो गए, ले चलो इन्हें, चलो चिता पिता से जलाओ। उनका क्या करेंगे व्यक्ति? करोगे कि नहीं करोगे? फिर आप थोड़ी से डाउट माइक के सामने कौन बोलेगा? जिज्ञा काम ही नहीं करेगी, आंख काम नहीं करेगी, जिज्ञा काम नहीं करेगी, हाथ काम नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ, आपने उस शरीर में जो चेतन तत्व है जिसका नाम जीवात्मा है उसको देखा है आपने? उसको तो देखा नहीं, आपने शरीर ही देख करके तो जान लिया है कि भाई ये उमेश है। उमेश के अंदर जो चेतन आत्मा है वो नहीं देख पाया। तो याद रखना, जो शक्ति होती है ना एनर्जी, जिसको वैज्ञानिक लोग एनर्जी कहते हैं, एनर्जी कभी भी दिखाई देने की चीज, एनर्जी का आकार नहीं होगा। तो परमात्मा को आप व्यक्ति के रूप में मत समझो, परमात्मा को आप शक्ति के रूप में समझो। एक एनर्जी है और वो एनर्जी कैसी एनर्जी है कि वो चेतन एनर्जी है। ये बिजली की जो एनर्जी है ना, ये तो जड़ एनर्जी है, इससे तो आपका अगर हाथ लग गया तो तत्काल गई काम से। लेकिन परमात्मा कैसा है कि वो एनर्जी है लेकिन वो चेतन एनर्जी है। अगर आपकी उपासना में बैठ जाते हो तो परमात्मा आपके ऊपर कृपा की वर्षा करेगा। तो परमात्मा को आप क्या मानो, एनर्जी मान लो, शक्ति मान लो, ये मत समझो कि वो मनुष्य के रूप में कहीं खड़ा हमें मिलेगा और उस मनुष्य के रूप में खड़े होंगे तो हम भेंट करेंगे, अरे हम तो तुमसे बड़े दिनों से मिलना चाह रहे थे, आप तो हमें पड़े पड़ गए हो, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो आपको ऐसे कभी खड़ा दिखाई नहीं देगा। एनर्जी है और वो कण कण में व्याप्त है, अंदर से कार्य कर रही है और कार्य करते हुए देख रहे हैं। तो अब आप क्या करें कि भाई ये बताओ परमात्मा को कि कैसे देखें। एनर्जी है, चलो मान लिया आपकी बात, तो देखो एनर्जी जो है इस कण कण में बोलो व्याप्त है कि नहीं है। तो इस ब्रह्मांड को देख करके जैसे आप मेरे शरीर को देख करके उमेश को देख रहे हो, ऐसे ही इस ब्रह्मांड को देख करके उस परमात्मा का दर्शन करो। केवल एक विधि है बस, इस ब्रह्मांड क्या है, ये ब्रह्मांड उसका शरीर है। अथर्वेद में इस ब्रह्मांड को उसका शरीर कहा गया है, कहा कि ये पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी उसके पैर है, कहा कि ये अंतरिक्ष क्या है कि अंतरिक्ष उसका उदर है, ये अंतरिक्ष में वायु बह रही है ये क्या है कि ये उसके प्राण है, अच्छा ये मूलधान जो द्विलोक है ये क्या है कि ये उसका सिर है। अच्छा आप द्विलोक को देखिए, अंतरिक्ष को देखिए, सूर्य को देखिए, चंद्र को देखिए, जो उसके नेत्र हैं, तो इतना विशाल शरीर आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? कैसे आपको उमेश का शरीर दिखाई दे रहा है? आपको इतना बड़ा बड़ा शरीर, इतना विशाल शरीर जो परमात्मा का है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा आपको, वो हर समय प्रत्यक्ष है आपको, आप हर समय उसे देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये समझ रहे हैं कि हम उसे देख ही रहे हैं। अभी तक क्या हमको कौन मिटाएगा?
इस अज्ञान को केवल वेद मिटाता है। वेद कहता है कि ये ब्रह्मांड ही उसका शरीर है, इसी में तो व्याप्त है वो। ये जीवात्मा किसमें है? जीवात्मा इस शरीर में है, मेरे में। तो अच्छा ये होगा, मेरा शरीर जीवात्मा इसमें है, तब आपको ये शरीर देखते हुए इसकी पहचान कर रहे हो। तो परमात्मा इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो जैसे ये जीवात्मा नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका विराट शरीर तो देखो। ये विराट शरीर को सबको दिखाई दे रहा, सूर्य को कौन नहीं देख रहा, चंद्रमा को कौन नहीं देख रहा, किसको दिखाई नहीं अंतरिक्ष देगा, किसको ये बहती हुई वायु का स्पर्श नहीं हो रहा, किसको ये बहता हुआ जल दिखाई नहीं दे रहा। तो इस सब ब्रह्मांड को देख करके आप नहीं समझ पा रहे हो कि इसके अंदर ईश्वर व्याप्त है। यही तो ईश्वर का दर्शन है, ये ईश्वर का साक्षात्कार है, ये ईश्वर की सत्ता है, यही ईश्वर का प्रमाण है। अगर इतने पर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं और आप कहते हैं नहीं हम तो जाकर के मंदिरों में ही देखेंगे, तो देखो भैया भटकते रहो जीवन पर, इतना बात का कोई दोष है, इसका कोई दोष नहीं, ऋषि दयानंद का कोई दोष नहीं, भटकना है तो भटको संसार में। इसलिए ऋषि दयानंद ने, आप ऋषि दयानंद के सिद्धांत को समझ लोगे तो कहीं भी आप माफ नहीं खा सकते। ऋषि दयानंद ने कहा, इस प्राण प्रतिष्ठा के सिद्धांत को ऋषि दयानंद ने स्वीकार नहीं किया। अब मैं ईश्वर की दूसरी बात पर आ रहा हूँ, विभिन्न पहलुओं से आपके सामने चित्र रखता हूँ। ऋषि दयानंद ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के सिद्धांत को मैं स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्या ये मूर्तियां जितनी बनी हुई है ये सब जड़ पदार्थ होंगी, सोने की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, लोहे की हो सकती है, पीतल की हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है, पत्थर की हो सकती है, ये सारे के सारे जड़ पदार्थ हैं। अच्छा, इन जड़ पदार्थों में क्या आप चेतन प्राण डाल सकते हो, प्राण डाल सकते हो? संसार का कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर आज तक किसी जड़ पदार्थ को चेतन नहीं बना पाया है। ये प्रकृति का गुण है, स्वाभाविक गुण है। प्रकृति का स्वाभाविक गुण है कि प्रकृति जड़ है, तो जब जड़ प्रकृति है तो आप उसमें प्राण कैसे डाल दोगे भाई? अच्छा, प्राण डालने का तुम्हें अधिकार है क्या? क्या तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है कि आप किसी में प्राण डाल सकें? जो आचार्य प्राण डालने का काम करते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा का काम करते हैं जो लोग आचार्य, और समाचार पत्रों में निकलता है वेद मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की गई। वेद का नाम क्यों ले देते हैं वो? क्या जिससे लोगों को धोखा हो जाए कि वेद के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र है? अब वो एक मंत्र बोलते हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जिस मंत्र को बोल करके वो प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं मंत्रों में, वो एक मंत्र है अथर्ववेद का। और वो मंत्र क्या है? एष्मान मातिस्वय अश्मा भवक्षेत्र कर्णवंतु विश्वे देवा आयुष्य शरद शतम। ये अथर्ववेद का मंत्र है, शायद चौथी कांड का है, ये मुझे पूरा अभी से नहीं वो बता सकता हूँ बाद में। काय एष्मान मातिस्वय, ये आचार्य लोग प्राण प्रतिष्ठा करते समय प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, और क्या कह रहे हैं कि आइए ईश्वर और आप उस पत्थर की मूर्ति में और अश्वा भवत के तनु, आपका जो तनु है, शरीर है, वो पत्थर का हो जाए, आपका शरीर पत्थर का हो जाए, अश्वा भवत के तनु। और फिर अगली लाइन क्या कह रहे हैं? किरणवंतु विश्व देवा, ये जो आचार्य लोग बैठे हुए हैं, देव कहते हैं विद्वान, यहाँ जितने भी ये विद्वान बैठे हुए हैं, आए हुए हैं सब, ये क्या करें? आयुष्य सर्वे सतम, आपकी आयु को 100 वर्ष की कर दे। अच्छा ये बताओ, अब विचार करो आप इस मंत्र पर। पहला तो यह है कि एष्मान मातिस्वय, आप ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं कि आइए इसमें बैठिए। अच्छा, ईश्वर जो सर्वव्यापी है, क्या सर्वव्यापी ईश्वर में आह्वान शब्द घटेगा? आह्वान हो सकता है उसका? क्या मैं यहाँ मंच पर बैठा हुआ हूँ, क्या इसके बाद भी आह्वान ये किया जाएगा कि उमेश जी आप आइए और यहाँ बैठिए? नहीं किया जाएगा, पहले से बैठा हुआ हूँ मैं। अरे ईश्वर पहले से ही कणकण में व्याप्त है, उस पत्थर की मूर्ति में भी व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। तो जब सब जगह व्याप्त है तो आह्वान आप कहाँ से कर रहे हो? वो कहाँ है और कौन सी जगह नहीं है कि वहां से आए और यहाँ बैठ जाए? वो सब है, तो आह्वान नहीं हो सकता उसका, यह अर्थ गलत है। एष्मान मातिस्वय अश्मा भवतु ते तनु, और आपका शरीर पत्थर का हो जाए, जो ईश्वर निराकार है उसका पत्थर का शरीर कहाँ से कर दोगे? और फिर तुम्हारी इतनी सामर्थ्य विद्वानों की है, ईश्वर को आशीर्वाद दे रहे हो कि तुम्हारी आयु 100 वर्ष की हो जाए। अच्छा, ईश्वर की आयु 100 वर्ष करने का आशीर्वाद दे रहे हो? अब एक्चुअली बात क्या है,
ये अथर्ववेद का मंत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ये मंत्र है समावर्तन संस्कार का। जब दूसरों के अंदर समावर्तन संस्कार होता है और ब्रह्मचारी विद्या प्राप्त करके जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए अपने घरों को जाते हैं, वहां समावर्तन संस्कार में ये मंत्र बोला जाता है। और उस मंत्र का विनियोग जो है इन भूत, ये भूत विनियोग कहलाता है वेद का। वेद का भूत विनियोग का मतलब है कि जिस मंत्र का अर्थ जहां न लगता हो और वहां उस मंत्र को बोल करके उस काम को सिद्ध, उसके काम को भी सिद्ध किया जाए, ये भूत विनियोग कहलाता है। लेकिन ये मंत्र समावर्तन संस्कार का है और बिल्कुल अथर्ववेद का मंत्र है, इसमें कोई शक नहीं। इसको साईं ने भी स्वीकार किया है, साईं भाषण वाला है इस बात को, और साईं भाष के बाद में ऋषि ज्ञानंद ने स्वीकार किया कि समावर्तन संस्कार का मंत्र है। जब समावर्तन होता है तो ब्रह्मचारी से कहा जाता है ये स्मान मातृत्व अश्वा भगवत ये ब्रह्मचारी तुम आगे आओ और अपने पैर को शिरा पर रखो। शिरा होती है जैसे विवाह में विवाह पद्धति में भी शिरा पर पैर रखवाते हैं, तो ब्रह्मचारी से कहा जाता है कि शिला पर इस पैर को रखो। क्यों? कि अब तुम गृहस्थ जीवन में जाकर के प्रवेश करो, तुम्हारा शरीर वज्र की तरह से हो जाए, इस शिला पर पैर रखो, अश्व भगत से तुम्हारा शरीर पत्थर जैसा वज्र हो जाए, तुम सारे द्वंद सह सको, झाड़ा गर्मी बरसात सुख दुख लाभ हानि सारे द्वंद सहने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य पैदा हो जाए, ये ब्रह्मचारी तुम आगे आओ और इस पत्थर पर पैर रखो। और फिर अगली लाइन, अगली लाइन बिल्कुल सही बैठती है, और वो क्या गणवंतु विश्व देवा आयुष्य सर्वशतम। और देखो ये सब बैठे हुए सन्यासी वर्ग, क्योंकि समावर्तन संस्कार होता है तो वहां सारे के सारे विद्वान कोई भाई चांसलर कहीं का कोई आचार्य लोग बैठे हुए होते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं आचार्य जी, ये जितने भी देव लोग बैठे हुए विद्वान लोग आयुष्य सर्वशतम आपको 100 वर्ष की आयु का आशीर्वाद। अच्छा बोलो ये अर्थ सही है या वो अर्थ सही है? आप विचार करो, स्वाध्याय नहीं कर रहे, लोग स्वाध्याय करें तो ये सारी की सारी अंधविश्वास वैसे ही धराशायी हो जाए। इसलिए ऋषि ज्ञानेंद्र ने कहा कि पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, जो भ्रम है। मुझे कल भाई जी कह रहे थे कि विद्वान लोग जो पंडित हैं पौराणिक जगत के, वो कहते हैं कि मूर्ति जब तक वहां पड़ी रहती है दुकान के तब तक वो पूजनी नहीं है, लेकिन जब वो आ जाती है तब प्राण प्रतिष्ठा उसमें हम कर देते हैं, तो पूजनी वाले प्राण प्रतिष्ठा तुम कहां से कर लो। ऋषि ज्ञानेंद्र ने बड़ा प्रश्न उठाया है, कहा कि देखो एक माँ है, इसका इकलौता बेटा है, ये 10-15 साल का, अभी अभी इसका प्राण निकला है, शरीर बिल्कुल सही है, हाथ पैर नाक कान सब सही है, ऐसा करो उन आचार्यों को बुलाओ जो प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, अरे ये बच्चे का प्राण अभी निकला है इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दे। तो आचार्यों ने कहा कि ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम क्यों नहीं कर सकते, अरे तुम्हारे मंत्रों में तो इतना बल है कि तुम ईश्वर को बुला करके भी पत्थर की बिटा देते, तो तुम इसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, आत्मा को बुला करके इसमें डाल दो तो निकल गई है, तो इस इकलौती माँ का ये बच्चा खराब हो जाएगा तो माँ खुश तो हो जाएगी। कहा कि ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि झूठ कब तक टिकेगा, झूठ तो झूठ ही है और सत्य जो है वो सत्य है। इसलिए माता और बहनों याद रखो, इस अविद्या को निकाल दो, ये अविद्या है, ऋषि पतंजलि ने इसको अविद्या कहा है। अविद्या क्या कहते हैं, ऋषि पतंजलि क्या कहते हैं, अनात्म वस्तु को आत्मगत मानना, जो जड़ वस्तुएं हैं जड़ वस्तुओं को चेतन समझना, ये अविद्या है। इस अविद्या के कारण आप सही मार्ग पर नहीं आ सकते, आपको चेतन का प्राप्त नहीं हो सकती है, तो इस अविद्या को निकालना। तो एक तो मैंने प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में जो ऋषि ज्ञानेंद्र ने स्वीकार नहीं किया वो, एक दो प्रश्न और हैं जो कल एक भाई ने दिए थे पर्चा, वो मेरे पास है। उन्होंने एक प्रश्न किया है कि परमात्मा के अनेक नाम, परमात्मा का निज नाम गुण है और निज नाम के अतिरिक्त परमात्मा के अनंत गुण है, जैसे मैंने अभी बताया कि वह परमात्मा विष्णु है, वह परमात्मा ब्रह्मा है, वह परमात्मा रुद्र है, दुष्टों को रुलाता है, वह परमात्मा और भी तमाम प्रकार के नामों से जाना जाता है, सोम है, मंगल है, बुद्ध है, ये भी परमात्मा के नाम है। हमारा जो संध्या करते हैं मनसा परिक्रमा के मंत्र में आता है, वह परमात्मा अग्नि है, वह परमात्मा बृहस्पति है, वह परमात्मा विष्णु है, वह परमात्मा सोम है, वरुण है, ये सब परिक्रमा में नाम आते हैं। तो उनका कहना था कि जब परमात्मा का विष्णु नाम भी है, परमात्मा का सोम नाम भी है, परमात्मा का नाम अग्नि भी है, परमात्मा का नाम बृहस्पति भी है, तो अगर कोई बृहस्पति का जाप करता है तो क्या गलत करता है, अगर कोई विष्णु का जाप करता है तो क्या गलत करता है,
क्योंकि ये नाम भी तो परमात्मा का है, शंकर नाम भी तो परमात्मा का है, लेकिन परमात्मा का निज नाम ओम है। तो ऋषियों ने एक बात कही, क्या देखो परमात्मा के जो गौणिक नाम है, परमात्मा के संबंधवाचक नाम भी है, परमात्मा माता भी है, माता पिता भी है, संबंधवाचक नाम भी और गौणिक नाम भी। अगर मान लीजिए संबंधवाचक में परमात्मा को पिता और माता कहा जाता है, अगर पिता कह के करके आप जाप करें तो क्या उस परमात्मा से संबोधन हो सकता है? अच्छा माता कह के करके जाप करें तो क्या उसका संबोधन हो सकता है? विष्णु नाम पुरुष का भी हो सकता है, विष्णु नाम पुरुष के कहिए विष्णु दत्त है, कोई शंकर लाल है, ये परमात्मा के जितने गौणिक नाम है आपको सब मनुष्यों के नाम मिल जाएंगे। तो जब उसका जाप करते हैं तो उसका जाप पता नहीं वो परमात्मा का जाप है कि उस व्यक्ति विशेष का नाम है जिसका नाम विष्णु है या जिसका नाम शंकर है या जिसका नाम ध्रुव है, हमारे यहाँ ध्रुव नाम भी हुआ है, ध्रुव एक प्रतिवृत्ति। तो इस तरह से परमात्मा का जो निज नाम है वो ओम है। अगर आप निज नाम का जाप करेंगे तो वो आवाज परमात्मा की आवाज से मिलेगी। मैंने कल से आपको बताया था आपके भी अनेक नाम है, आपके भी अनेक नाम है, जैसे आपका एक निज नाम है, मान लीजिए आपका निज नाम मोहनलाल है, लेकिन आपका बेटा आपसे पिताजी कहता है, कोई मामा जी कहता है, कोई मौसा जी कहता है, कोई कुछ कहता है, आपके भी अनेकों नाम है। मैं विद्यालय में तो मास्टर साहब कहते हैं, आज समाज की मंच पे आ गया तो पंडित जी कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन आप एक बात बताइए कि आपने कल भी मैंने कहा था अगर आप मामा जी के नाम से चिट्ठी डाल दें कि देहरादून में चिट्ठी मामा जी को मिले, तो ये चिट्ठी पहुंचेगी क्या मोहनलाल पर? नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मोहनलाल का नाम है मौसा जी, मौसा जी कह के संबोधन करते हैं, मामा जी कह के संबोधन करते हैं, लेकिन मामा जी कह करके ये पता संसार में नहीं लगेगा कि आखिरकार ये मामा है कौन सा मामा, मामा तो कौन है। ऐसे ही विष्णु नाम के तमाम लोग हैं, शंकर नाम के तमाम लोग हैं, ये जो नाम है संसार के अंदर ये व्यक्तियों पर भी रखे जा सकते हैं, लेकिन वो जो शब्द है ये अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते। जैसे राम शब्द है रामा रामो रामा, रूप चल रहे लेकिन ओम का रूप नहीं चलता, ओम है ओम ओमा ओमा ऐसे नहीं कर सकते, ओम एक ही रहेगा। ये ऐसा है कि इसके रूप जैसे संस्कृत में और शब्दों के चलते हैं, संसार में सब शब्दों के रूप चलते हैं, लेकिन केवल ओम का रूप नहीं चलता। इसलिए ऋषियों ने दयानंद ने वेद ने भी कहा ओम कृत ईश्वर हे जी तू ओम का स्मरण कर, जो वेद 40 में अध्याय ओम कृत ईश्वर, कृत शब्द आया जीवात्मा के लिए, जीवात्मा कर्मशील है, तो जीवात्मा कर्मशील है तो कहा ओम कृत ईश्वर हे जी तू ओम का स्मरण कर, ओम खम ब्रह्म, जैसे आकाश व्याप्त है वैसे ही परमात्मा भी व्याप्त है। और एक बात और कहकर के निवेदन करता हूँ, क्योंकि समय बिल्कुल होने जा रहा है और मनु जी देख रहे हैं, मैं भी मुनि जी को देख लेता हूँ, मुनि जी मुझे एक बात और कहकर के परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, ये सब बात मैंने आपको बताई है, एक बात और बता देता हूँ। जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते समय एक आहुति देते हैं मौन आप ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम प्रजापति, आपने मुंह में बोला कि नहीं बोला? तो एक बार इस आख्यान समझिए आप उस परमात्मा की स्थिति, एक बार मन में और वाणी में बहस हुई, वाणी ने कहा कि मैं बड़ी और मन ने कहा मैं बड़ा हूं, तो वाणी ने कहा मन ने कहा तुम कैसे बड़ी हो, फिर सारे संसार का व्यवहार मुझसे चलता है, बिना वाणी से तुम कोई काम ही नहीं कर सकते, वाणी से ही मैं परमात्मा की व्याख्या करती हूँ, वाणी से ही वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, मैं बड़ी। मन ने कहा कि वाणी तुम बेटा क्यों बहस करती हो, मैं बड़ा हूं, तो अच्छा चलो अगर ऐसा है कि तुम और हमें कोई समझौता नहीं हो पा रहा है तो प्रजापति के पास चलते, तो प्रजापति के पास गए। प्रजापति ने वाणी से पूछा तो वाणी ने कोई उत्तर दिया, मैंने आपको प्रजापति के सामने दिया कि मैं बड़ी हूं क्योंकि मुझसे वेदों का उच्चारण होता है, मैं परमात्मा की व्याख्या करती हूँ, मैं संसार का विवाद चलाती हूँ। तो मन से पूछा प्रजापति ने कि तुम कैसे बड़े हो भाई, तो प्रजापति ने कहा कि मैं इसीलिए बड़ा हूँ कि जब तक मैं किसी इंद्रिय के साथ नहीं जुड़ता तब तक वो इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती।
अगर मैं कानों के साथ जुड़ा हूं तो कान सुनेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन किसी और काम में बहुत व्यस्त है और आपके बराबर से ढोल बजता हुआ निकल के आपने सुन ही नहीं पाया। उपनिषदों का बहुत आख्यान है पर मैं इससे नहीं जाऊंगा लंबाई में। तो इतना संक्षेप में समझ लो कि मन के बिना कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती। आज जब कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती तो मन ने एक तरफ गौर दिया। मन ने कहा कि ये वाणी जो है ना, इस वाणी से जो शब्द निकलता है ये शब्द केवल आकाश का गुण है। ये विशेष बात ध्यान रखना, शब्द आकाश का गुण है। तो मन कहता है कि ये शब्द जो बोलती है, जो परमात्मा की व्याख्या करती है, ये आकाश तक सीमित रह जाता है। परमात्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म है। तो उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए अगर व्यक्ति प्रयास करता है तो वो मन को ही एकाग्र करता है और मन को एकाग्र करके ही वो ध्यान में बैठता है और ध्यान से समाधि अवस्था में पहुंचता है। अगर मन एकाग्र नहीं कर पाएगा तो वो व्यक्ति न ध्यान लगा पाएगा न समाधि अवस्था में पहुंचेगा। इसलिए वाणी से मैं बड़ा हूँ, क्योंकि वाणी तो शब्द बोल करके केवल आकाश तक रह जाती है। परमात्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म है। तो जब परमात्मा आकाश से भी सूक्ष्म है तो उस तक पहुंचाने का काम अगर करता हूं तो मैं करता हूं। तो प्रजापति ने फैसला दिया। प्रजापति ने कहा कि भाई वाणी देखो, इनके तर्क से मैं प्रभावित हूँ, क्योंकि ये परमात्मा तक पहुंचाने का काम करता है। तुम तो आकाश तक तुम्हारे शब्द रह जाते हैं, इसलिए मन बड़ा है। तो जब ये कहा कि मन बड़ा है तो वाणी नाराज हो गई। वाणी ने कहा कि अच्छा मन बड़ा है तो आपसे प्रजापति सुन लो, मैं आपकी आहुति बोलूंगी नहीं। आपकी आहुति आएगी तो मैं बोलूंगी नहीं, ये मन बोलेगा आपकी आहुति यही देगा, मैं तो शांत हो जाए करूंगी। तो ये मोहन आहुति का जो आख्यान है कि परमात्मा को केवल मन ऐसा है जिसको एकाग्र करने से आप ध्यान अवस्था में पहुंचेंगे और ध्यान अवस्था के बाद समाधि अवस्था में पहुंचेंगे और परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। बंधुओं, विषय तो बहुत हैं, इससे जुड़े हुए अभी बहुत हैं, क्योंकि ईश्वर के भोगों पर झगड़ा है, ईश्वर की जगह पर झगड़ा है, ईश्वर की मान्यता पर झगड़ा है। कहाँ रह रहा है, कोई कह रहा है चौथे आसमान पर, कोई कह रहा है सातवें आसमान पर, झगड़ा पूरे विश्व में रहा है। सबसे बड़ा झगड़ा अगर है संसार के अंदर तो वो केवल ईश्वर के नाम पर है और उसी के आधार पर इतने मत प्रदान करें जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है, केवल ईश्वर के नाम पर। लेकिन वेद इन सब धर्मों को शांत करता है, उसे कहता है हमें और तुम्हारे पास इतना नजदीक है कि न तुम उसे देख सकते हो आंखों से, वो पंच तत्वों का बना हुआ नहीं है। इसलिए क्या करो, देवस्य पक्षिकाभ्यम न ममार न जीजेति, अरे तुम उसके काव्य को देखो, उसका बना हुआ इस ब्रह्मांड को देखो और उसके बने हुए श्रव्य काव्य जो वेद है उसको देखो। इन शब्दों के साथ धन्यवाद है और ये आटे के बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। इतना बड़ा हथियार है, अच्छे अच्छे हाथी को